नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीसी कलम में। और ये है एवरेज का लास्ट पार्ट, जिसमें मैं सीएचएसएल में आए हुए 74 शिफ्ट 2017 में जो जनवरी में एग्जाम हुआ था, टोटल मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर वाइज। और बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, मैंने बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ पूरा का पूरा 74 शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करके। इसका थर्ड पार्ट है, दो पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। तो ये सारा क्वेश्चन आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, और उस पीडीएफ में ये कंटेंट थे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ए परसेंटेज और एवरेज। मैंने ये तीनों कंप्लीट कर दिया, और ये लास्ट पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। और एक नया पीडीएफ आया है जिसमें मैं ये सारा कंप्लीट कर दिया हूँ मैंने। और अभी मेंसुरेशन का पार्ट स्टार्ट हो चुका है, दो पार्ट मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। सारा क्वेश्चन इसमें टाइप वाइज है और टॉपिक वाइज है, मतलब कि पहले स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, सर्किल है तो सर्किल से क्वेश्चन रहेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ 74 शिफ्ट में से आए हुए क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये नए पैटर्न पे एग्जाम हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था, तो आपको लेवल जानना जरूरी है कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो आपने 74 शिफ्ट तक क्वेश्चन तो देखे होंगे, लेकिन चैप्टर वाइज आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। आप 74 शिफ्ट में जाकर बार बार क्वेश्चन बनाना, और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। कुछ जो पीडीएफ है वो पेड है, जो आप instamojo.com/ssclub से परचेज कर सकते हैं। यहाँ फ्री पीडीएफ में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, जल्दी से अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और टाइम एंड वर्क दोनों पीडीएफ फ्री है, और भी पीडीएफ के लिए चेक कर सकते हैं वहाँ कौन कौन से पीडीएफ है। और जो भी पीडीएफ का प्राइस है बहुत ही मिनिमम मैंने रखा है, जितना कम से कम हो सकता है। पार्ट एवरेज का, जिसमें लोग टाइप 8 और टाइप 9 डिस्कस करेंगे। टाइप 8 में क्या है, इस टाइप में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ शॉर्ट अप्रोच जरूर लगा सकते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक फैक्ट्री में 10 मशीन खरीदा गया, दो मशीन ए है, तीन मशीन बी है, और बाकी मशीन सेवन है सी है, ठीक है। तो पहले का प्राइस 95,000 है, दूसरे का 60,000 है, और तीसरे का क्या है 50,000 है। इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है कि आप देख रहे हैं यहाँ 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ है। तो आप 3 जीरो दिमाग में रख लीजिए, कि 3 जीरो यहाँ दिमाग में, और भूल जाइए कि 95,000 है, 60,000 है, या 50,000 है। आप मानिए 95 है, 60 है और 50 है, ठीक है। तब आप बनाइए कैसे बना था, आप नॉर्मल आप बना सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 95 को 2 से डिवाइड, 95 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 190 हो जाएगा, ठीक है। प्लस उसके बाद 3 को क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 और 3 क्या हो गया, 5 हो गया, 5 बचा, तो यहाँ से 50 है, तो यहाँ 50 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 250। और यहाँ पे बचा 10 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 10 से डिवाइड कर देंगे, आप देख रहे होंगे यहाँ से ऐड करेंगे तो लास्ट में 0 आने वाला है, तो ये 0 इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। कैसे किया मैंने, तो मान लीजिए मैंने अलग अलग कर दिया, 190/10, 180/10 और प्लस 250/10। तो आप देख रहे होंगे 0 0 जो कट गया है सब, तो हमारा बचा कितना, ये तीनों को ऐड कर दीजिए। तो ये कुछ ज़्यादा शॉर्टकट नहीं था, सिर्फ शॉर्ट अप्रोच मैंने बताया कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव दिमाग रखना चाहिए कि आपको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे अब इसको ऐड करेंगे, 25 बचा, इसमें 19 ऐड करेंगे और 18 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 5 14, 14 और 8 क्या हो गया, 22 22, और यहाँ क्या हो गया, 2 2 4 और 6, 62 आया। और यहाँ पे मैंने 3 जीरो रखने के लिए बोला था, तो यहाँ 3 जीरो हम लोग लगा देंगे, आंसर 62,000 आ गया है। तो ये आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आप कैलकुलेट करके देखिएगा, बहुत ही कम प्रोसेस मैंने बताया है। यहाँ पे क्या है, 3 जीरो यहाँ पे देख रहे होंगे, 3 जीरो यहाँ पे क्या कर देना है, हटा देना है। यहाँ पे 7 मशीन है, 2 मशीन से होगा तो क्या होगा, 1 1 12 हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, 4 9 95 है तो ये हो गया 180, और प्लस क्या हो जाएगा, सी मशीन कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 30 है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे 7 है, तो 7 ये इससे नहीं डिवाइड होगा, इससे डिवाइड नहीं, इससे डिवाइड होगा, तो हम लोग प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस। प्लस करने के बाद जो भी आंसर आएगा हम लोग 3 जीरो उसमें बैठा देंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप नॉर्मल बना सकते हैं, और थोड़ा सा शॉर्ट अप्रोच जो था मैंने बता दिया। एवरेज टाइप 9 में, अब जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 65 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है 54 है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे बोला गया कि 30 स्टूडेंट का 50 है और 55 स्टूडेंट्स का 48 है। सभी 3 क्लास हैं, मतलब क्लास 10 है, क्लास 10 में 3 डिवीजन है, ए बी और सी। 65 है एक में, दूसरे में 30 है, और तीसरे में 55 है। तो सबका एवरेज दिया हुआ है, और बोला गया है कि पूरे क्लास का एवरेज निकालिए।
तो आपको तो पूरा का पूरा पहले मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 65 है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ हम लोग, यहाँ पे हम लोग 65 इंटू 54, 30 इन, तो मैंने लिख दिया 65 इंटू 54 और पूरा का पूरा ये निकल गया, यहाँ से बी का निकल गया, यहाँ से सी का निकल गया, और पूरे क्लास का स्टूडेंट्स का तीनों डिवीजन में कितना हो गया, 300 हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो 65 55 कितना हो गया, 120, 120 प्लस 50 150 हो गया। अब यहाँ से यहाँ पे देख सकते हैं पाँच कॉमन कर सकते हैं हम लोग, यहाँ 5 से 13 बच जाएगा, 5 से 30 में से 6 बच जाएगा और 55 में से 11 बच जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और 5 से हम लोग क्या कर देंगे इसको काट देंगे। तो इस तरह से कुछ इसको सॉल्व किया जा सकता है, आप इस पूरा का पूरा सॉल्व करने से अच्छा यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन ये इजी है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, सारा का क्वेश्चन इसी बेस्ड है, तो आप इसे बना सकते हैं। तो आज हमारा एवरेज कंप्लीट हो चुका है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या आप व्हाट्सएप मैसेज पे पूछ सकते हैं या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, तो अगर आप वो नहीं देखे हैं अब तक वो तो आप वीडियो देख सकते हैं। मेंसुरेशन का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंसुरेशन ज्योमेट्री, मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो वो वीडियो तो आप जरूर देखें, बहुत ही हेल्प करने वाला है। उससे अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो परचेज करें, उससे आपका 90% से ज़्यादा टाइम बच जाएगा, 74 शिफ्ट देखने नहीं पड़ेंगे, टोटल का टोटल एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।